गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गिटार गुरु। सो आज हम जो गाना करने जा रहे हैं उस गाने का नाम है हमदर्द, जो कि मूवी एक विलन से है। तो इस गाने में यूज हुए कॉर्ड्स हैं ऐसा मेजर, देख लीजिएगा प्ले कैसे होता है। आपको ये सेकंड फ्रेट पे पूरा बार करना है, अपने सेकंड फिंगर को आपको थर्ड स्ट्रिंग पे रखना है, आपको अपनी थर्ड फिंगर को फिफ्थ स्ट्रिंग पे रखना है और फोर्थ फिंगर को फोर्थ स्ट्रिंग पे रखना है, वो भी फोर्थ फ्रेट की। तो ये हो गया आपका एफ शार्प मेजर। दूसरे कॉर्ड है इसकी बी मेजर। आपको कुछ करना नहीं है, आपको मैंने ये हाफ वाला बताया, आप इसको बार भी कर सकते हैं। तो आप जैसे ए मेजर पकड़ते थे बस उसको दो फ्रेट आगे कर देना है और आपको सेकंड फ्रेट पे बार कर देना है, इसे बी मेजर कहते हैं। और वैसे ही सी मेजर को जस्ट इसी पोजीशन को दो फ्रेट आगे कर दीजिए, 1 2, तो ये बन गया आपका सी मेजर। यही तीन कॉर्ड आपके पूरे गाने में यूज होंगे। सो जैसे अभी मैंने आपको बार बताया, कुछ लोग हो सकते हैं कि बार प्ले ना कर पाए, तो उनके लिए कैपो काम में आ सकता है। तो आपको कैपो सेकंड फ्रेट पे लगाना है। तो आपके कॉर्ड जो बनेंगे वो होंगे ई मेजर, ए मेजर एंड बी मेजर, बस यही तीन कॉर्ड हैं। तो एक बार देख लीजिए प्ले कैसे होंगे। ई मेजर प्ले करने के लिए आपको कैपो के रिस्पेक्ट में फर्स्ट फ्रेट पे थर्ड स्ट्रिंग पकड़नी है, फिर आपकी सेकंड फिंगर को फिफ्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट की और थर्ड फिंगर को सेकंड फ्रेट की फोर्थ स्ट्रिंग पर रखना है। ये बन गया आपका ई मेजर। आपको ए मेजर पकड़ने के लिए सेकंड फ्रेट की सेकंड थर्ड और फोर्थ फिंगर, सेकंड थर्ड और फोर्थ स्ट्रिंग को पकड़ना है, ये बन गया आपका ए मेजर। और बी मेजर पकड़ने के लिए ए मेजर को आपको दो फ्रेट आगे करना है और आपको इसकी सेकंड फ्रेट की फर्स्ट स्ट्रिंग दबानी है, ये आपका बन गया बी मेजर। सो ये तो हुए कॉर्ड्स। सो गाइस, कमिंग टू द स्ट्रमिंग पैटर्न, इसका स्ट्रमिंग पैटर्न थोड़ा ट्रिकी है, तो एक बार देख लीजिए कि ये स्ट्रमिंग पैटर्न बजेगा कैसे। तो जब गाने का वाला वर्स आएगा जो तू मेरा हमदर्द, तो उस जगह पर जो स्ट्रमिंग पैटर्न यूज होगी वो टैप वाली यूज होगी, तो वो बजेगी कैसे एक बार देख लीजिए। जस्ट टेकिंग आउट अ कॉर्ड, कोई भी कॉर्ड ले लीजिए, तो फिर देखिए कैसे बजेगी वो। जो तू मेरा हमदर्द, जो तू मेरा हमदर्द है, तो जो इसमें स्ट्रिंग पैटर्न यही है, डाउन 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 डाउन। तो आप टैप बजाएंगे कैसे, एक बार टैप देख लीजिए। आप कुछ करना नहीं है, सिंपली आपको अपने ऐसे पाम को स्ट्रिंग्स के ऊपर ऐसे प्रेस करना है, तो ये आपका कुछ इस तरह होगा, डाउन 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 डाउन। ये आपका स्ट्रिंग पैटर्न बजेगा जब आपका ये वर्स आएगा जो तू मेरा हमदर्द है। तो जो रेस्ट सॉन्ग के लिए जो स्ट्रिंग पैटर्न बजेगा वो होगा, एक बार देख लीजिए, डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन अप अप डाउन। अगर जो लोग टैप प्ले नहीं कर पाएंगे वो यही स्ट्रमिंग पैटर्न पूरे सॉन्ग में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, यही स्ट्रमिंग पैटर्न आप पूरे गाने में लिखे जा सकते हैं। तो जो कि स्ट्रमिंग पैटर्न है, डाउन डाउन अप अप डाउन अप। और आपको इसमें एक बात ध्यान देने वाली ये होगी कि जो आप अप स्ट्रोक्स लेंगे वो जनरली पहले स्ट्रिंग्स पे थोड़ा ज्यादा, जो सबसे नीचे वाले स्ट्रिंग उस पे थोड़ा ज्यादा देना है, जैसे इस तरह डाउन 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 डाउन, मतलब डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन। तो आपको जो फर्स्ट स्ट्रिंग है इस पर थोड़ा ज्यादा देना है प्रेस। तो बस यही स्ट्रमिंग पैटर्न है इस गाने का। सो गाइस, दिस लेसन स्टार्टेड। सो गाइस, कॉर्ड्स के लिए ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। तो इस लेसन में जो कॉर्ड्स यूज हुए हैं एक कॉर्पो के रिस्पेक्ट में, आप देख लीजिए, ई मेजर, ए मेजर एंड बी मेजर, बस ये कॉर्ड्स हैं। बाकी जो नॉर्मल बिना कैपो के बजाने वाले कॉर्ड्स हैं वो है एफ शार्प मेजर, बी मेजर एंड सी मेजर। ये तीन कॉर्ड्स पे आपका गाना कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए लेट्स प्ले द सॉन्ग। दो की जिंदगी इस प्यार को सदियां काफी नहीं, तो खुदा से मांग लो मोहलत, मैं एक नहीं
मैं आपको बताऊंगा कि ये गाना लीड पे कैसे प्ले होगा, तो एक बार आप देख लीजिए कि गाना प्ले कैसे होगा। सो गाइज, अभी मैंने ये गाना आपके लिए लीड्स पे प्ले किया था, आप देख लीजिए कि ये गाना बजेगा कैसे। ये गाना चालू होगा फर्स्ट फ्रेट की सेकंड स्ट्रिंग से, इसमें मैं आपके लिए थोड़ा स्लो प्ले करूंगा, बस मेरे फिंगर फॉलो करिएगा कि कैसे बज रहा है। ये पूरा गाना खाली ये तीन स्ट्रिंग्स में बजा है, तीन फ्रेट पे बजाए, पहले दूसरे तीसरे फ्रेट पे, बस आप मेरे फिंगर फॉलो कीजिए, आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। तो देख लीजिए एक बार फिर से, इस वाले में आपको तीसरे फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट की थर्ड स्ट्रिंग में, तो फिर आपको नीचे ई स्ट्रिंग को खाली ओपन बजाना तीन बार, तो ये बनेगा तो वाला देख लीजिए जहां से आपको वाला खत्म होगा, मोहलत, ये मोहलत यहीं से चालू होगा, मोहलत कैसे हो जाएगा देख लीजिए। अब मतलब आपको थर्ड फ्रेट की थर्ड स्ट्रिंग को, अब सेकंड फ्रेट की नहीं फर्स्ट फ्रेट की सेकंड स्ट्रिंग को, अब दूर जैसे, तो गाइज ये पूरा गाना यही था सर। तो अगर आपको लीड्स वाले पार्ट में कोई दिक्कत आई होगी तो मैं आपके लिए ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी लीड्स दे दूंगा, फिर आप उस वहाँ से भी एक बार इसको देख सकते हैं, तो आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कैसे बजेगा ये पार्ट। सो गाइज फाइनली द होल लेसन इज कम्प्लीटेड, कॉर्ड्स एज वेल एज लीड। तो मैं कोशिश करूँगा जल्दी आऊँ आपके लिए एक और सॉन्ग लेके, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग। Or please do like and subscribe my videos guys, please.